बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस गाइड के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी 10 का प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी 10 की स्टेटमेंट है, इफ एफ बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी, यानी क्लोज इंटरवल पर फंक्शन क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है या रायमन स्केलेबल इंटीग्रेबल है। देन फॉर सी ग्रेटर देन जीरो, एफ बिलोंग टू आर सी अल्फा, यानी अगर अल्फा के रिस्पेक्ट फंक्शन इंटीग्रेबल है तो फंक्शन सी अल्फा के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल होगा उसी क्लोज इंटरवल ए बी पर। एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ डी सी अल्फा, यानी यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज करेंगे, अल्फा की जगह सी अल्फा चेंज करेंगे तो सी बाहर आएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा के इक्वल आंसर आएगा। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ एज एफ बिलोंग टू आर अल्फा, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या है, ये काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन हमने यूज कर लिया। नाउ अब हम अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट, सी एल्फा के रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने सी एल्फा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेबल शो करवाना है। तो हम इसके रिस्पेक्ट अपर सम और लोअर सम कैलकुलेट करेंगे और इस पर देखेंगे काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन होल्ड करता है या नहीं। अगर काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन होल्ड करेगा तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, किसके रिस्पेक्ट, सी अल्फा के रिस्पेक्ट। यू पी एफ एल्फा का फार्मूला होता है समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन, सुप्रीमम को हम डेल अल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सी अल्फा, तो हम यहाँ पे डेल सी अल्फा आई से मल्टीप्लाई करेंगे। सुप्रीमम एम आई, कैपिटल एम आई क्या है, आईथ इंटरवल में सुप्रीमम है और ये आईथ इंटरवल की लेंथ है एल्फा फंक्शन के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन क्या है, सी अल्फा, तो सी अल्फा आई। और यहाँ पे ये देखें डेल फंक्शन जस्ट फंक्शन पे अप्लाई होगा, कॉन्स्टेंट पे अप्लाई नहीं होगा, सी बाहर आएगा, डेल ऑपरेटर है यानी अल्फा पे अप्लाई होगा, सी बाहर लिख लिया डेल अल्फा आई, बाकी एज इट इज। यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट है, इसको हम समेशन से बाहर ले सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई डेल अल्फा आई। अब एम आई क्या है, ये एफ फंक्शन का सुप्रीमम है, और डेल अल्फा आई क्या है, यानी ये अपर सम बनता है किसके रिस्पेक्ट, अल्फा के रिस्पेक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं यू पी एफ एल्फा। दिस इंप्लाइज यू पी एफ सी एल्फा इज इक्वल टू सी यू पी एफ एल्फा। जैसे हमने अपर सम कैलकुलेट किया, ऐसे हम लोअर सम भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फिर क्या आएगा, लोअर सम यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिमम आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज लिखा जाएगा। तो एल पी एफ सी एल्फा किसके इक्वल आएगा, सी एल पी एफ एल्फा के इक्वल। यहाँ पे सी पॉजिटिव है इसलिए सुप्रीमम जो है वो इन्फिमम में चेंज नहीं होगा, ना ही इन्फिमम जो है वो सुप्रीमम में चेंज होगा, क्योंकि अगर सी की वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर सुप्रीमम इन्फिमम में चेंज हो जाता है और इन्फिमम सुप्रीमम में चेंज हो जाता है। लेकिन इसमें हमें गिवन है कि सी के है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। ये लोअर सम का फार्मूला लिख दिया एल पी एफ सी एल्फा, यानी जैसे हमने अपर सम कैलकुलेट किया वैसे ही हमारा लोअर सम आएगा। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, यानी टू और थ्री को हम माइनस करेंगे, यू पी एफ सी एल्फा माइनस एल पी एफ सी एल्फा, ये टू के लेफ्ट साइड सी यू पी एफ एल्फा माइनस ये थ्री के लेफ्ट साइड राइट साइड सी एल पी एफ एल्फा, इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ सी कॉमन ले लिया, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा। ये इक्वेशन वन में हमें गिवन है कि इसका आंसर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लेस देन एप्सिलॉन है, यानी इसकी जगह हम एप्सिलॉन लिखेंगे तो ये चीज़ प्रीवियस से, यानी ये स्टेप प्रीवियस स्टेप से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेस देन सी एप्सिलॉन, या इसको मैंने एक और कांस्टेंट का नाम दे दिया एप्सिलॉन डैश। दिस इंप्लाइज यू पी एफ सी एल्फा माइनस एल पी एफ सी एल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश। तो ये क्या है, ये काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन है। यहाँ पे क्या होगा, एफ इंटीग्रेबल होगा विद रिस्पेक्ट टू सी एल्फा, तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, एफ बिलोंग टू आर सी एल्फा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, यानी इक्वेशन टू में हमने अपर सम कैलकुलेट किया था यू पी एफ सी एल्फा इज इक्वल टू सी यू पी एफ एल्फा, तो हम इसका इन्फिमम लेने लगे, यानी अगर इन्फिमम का हम अपर सम का इन्फिमम लें तो वो किसके इक्वल आता है, वो अपर इंटीग्रल के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम है इसलिए हम इंटीग्रल ए टू बी से ही डिनोट करेंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज। राइट साइड में अब ये देखें सी पॉजिटिव है, अगर सी नेगेटिव होता तो इन्फिमम सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे सी क्या है पॉजिटिव है तो इन्फिमम इन्फिमम में रहेगा, सी बाहर आ जाएगा, सी इन्फिमम ऑफ यू पी एफ एल्फा। ये किसके इक्वल है, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी, ये सी अल्फा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन बनेगी और ये अल्फा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन बनेगी,
in integral a to b f dc alpha is equal to c integral a to b f d alpha. Similarly lower sum का अगर हम supremum ले तो वो integral के equal आएगा. तो हमने दोनों तरफ equation 3 में supremum ले लिया तो उससे भी answer क्या है, integral a to b f dc alpha is equal to c integral a to b f d alpha. From equation 4 and 5 यानी ये दोनों में हम देख सकते हैं कि हमारा answer क्या आ रहा है कि अगर हम c alpha के respect integration करते हैं तो c बाहर आ जाता है और alpha के respect integration multiply होती है साथ. क्या आंसर आया, integral a to b f dc alpha यानी c alpha के respect integration और यहाँ पे क्या है कि alpha के respect integration c integral के बाहर आ गया. यही हमने प्रूव करना था.